सर ये एक प्रोसेस होता है हार्ट डायलिसिस ना, इसमें यह होता है कि अगर आप पानी में से बिजली का करंट गुजारा जाए तो ऑटोमेटिकली इसकी दो साइडों पे प्लेटें लगाएं और इलेक्ट्रोलाइट डालें, तो ये आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन अलग करके देगा और इस तरह से आप इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ गाड़ियों में या व्हीकल्स में। तो अभी आपने ये क्या क्या तैयार किया है, ये इसको ज़रा एक्सप्लेन करिए। ये एक छोटा सा सेल है हाइड्रोलिसिस का सेल ना, और इसमें सिंपल पानी यूज़ हुआ और कास्टिक सोडा जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, और इस तरह से मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग कर ली जो आपको ये सामने बनते हुए नज़र आ रही है, और इसको आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो क्या मोटरसाइकिल गाड़ी में भी चलेगा? हाँ मुख्तलिफ व्हीकल्स में ना, लेकिन इसको सेफ तरीके से बना के आप प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलते और जलने में मदद देने वाले गैसें हैं, तो इसलिए इसको सेफ किट बनाना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा उससे फिर ये तो बनाएंगे खैर डेंगी की तरह एक्सपेरिमेंटल बेस पे मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया ना, अभी तक प्रॉपर तरीके से इसको इसमें मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी, जैसे ये नॉन रिटर्न वॉल है मतलब जिसमें ये हाइड्रोजन तकरीबन जब ये बंद कर तैयार होगा तो 1 लीटर पानी में कितना किलोमीटर तय करेगा, ये कुछ कैलकुलेशन की है आपने? 1 लीटर पानी तो नहीं, लेकिन फ्यूल में आपको हाइड्रोजन गैस जो है उससे ये होता है कि कम से कम आपकी गाड़ी 3 से 10 किलोमीटर का माइलेज का पर किलोमीटर पर लीटर आपको फ़र्क आ जाता है। चलो भैया, थैंक यू। ओके।